हसपुरा प्रखंड के बिरहारा टोले महावल बिघा के ग्रामीण के घरों में जबरन स्मार्ट मीटर लगाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सोमवार को महावल बिघा के दर्जनों ग्रामीणों ने अपने घरों में लगे स्मार्ट मीटर को उखाड़ कर हसपुरा बाजार ले आए। स्मार्ट मीटर के साथ पूरे बाजार का भ्रमण कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल महिला पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाते हुए स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे थे। हाथों में स्मार्ट मीटर लेकर ग्रामीण हसपुरा पाबर सब स्टेशन पहुंचे और स्मार्ट मीटर को बिजली विभाग को वापस लेने के लिए कहा। ग्रामीणों की भीड़ को देखते हुए बिजली विभाग के कर्मचारी दुबक गए। कर्मचारियों ने कहा कि आज ऑफिशियल छुट्टी है, विभाग के पदाधिकारी छुट्टी पर हैं, इसलिए कार्य दिवस के दिन आइएगा। उसके बाद ग्रामीणों का भीड़ प्रखंड कार्यालय पहुंचा। प्रखंड कार्यालय बंद रहने के बावजूद प्रखंड कार्यालय के गेट पर जमकर नारेबाजी किया, जहां जिला परिषद प्रतिनिधि इकलाख खान ने ग्रामीणों को समझाया कि अधिकारियों से बात हुई है, आप स्मार्ट मीटर लेकर अपने घर जाइए, 18 सितंबर को बीडीओ और प्रशासनिक अधिकारी आपसे बात करने आपके गांव आएंगे। इसी बीच ग्रामीणों को पता चला कि स्थानीय विधायक भीम सिंह यादव अपने कार्यालय में आए हुए हैं। सभी ग्रामीण विधायक के कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्या रखी। ग्रामीणों का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगाने के नाम पर रात में उनके घर की महिलाओं के साथ आपत्तिजनक व्यवहार किया गया है, जिसकी हसपुरा में लिखित शिकायत देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं किया गया। वहीं स्मार्ट मीटर में बहुत खामियां हैं। जानबूझकर महादलितों के टोले में जबरन स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। विधायक ने कहा कि महादलितों और बीपीएल परिवार के लोगों को पहले भी फ्री बिजली देने का नाम पर ठगा गया है। स्मार्ट मीटर के बहाने केंद्र व राज्य में बैठी सरकार गरीबों को खून चूस कर मोटा कमीशन वसूल रहा है। हम जल्द ही इसके लिए आंदोलन करेंगे। प्रदर्शन में शामिल शहीद ग्रामीणों ने कहा कि सरकार हम लोगों को पुराना मीटर ही रहने दे, महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई करे, जब तक न्याय नहीं मिलेगा आंदोलन जारी रहेगा। सर, महावल बीघा में 4 दिन पहले घटना घटी थी, इन लोगों का आरोप था कि महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किया गया है, उस पर कार्रवाई के लिए आवेदन दिए थे। आज इन लोग अपना मीटर जो स्मार्ट मीटर लगा उसको उखाड़ कर ले आए, इस पर आपका क्या है? हमको इस पर कहना यही है कि महावल बीघा बीपीएल धारी गांव है, वहाँ बीपीएल के कोटा की तरफ बिजली वहाँ लगा था और सरकार जबरदस्ती प्रशासन के लोग बिजली विभाग के लोग मिल करके उसी गांव पर लगा रहे हैं। तो भाई ये लोग तो खाए बिना मर रहा है, ये सरकार अनाज देती है तो ये लोग खाता है और फ्री में ये लोग को सरकार बिजली दी थी। स्मार्ट मीटर जब लग जाएगा तो पैसा कहाँ से जमा करेगा? हमको कहना ही है कि पहले बड़े बड़े पदाधिकारी जो बिजली बोर्ड के हैं या बड़े नेता राजनेता हैं उनके घर पर लगे, बड़े बड़े दुकान हैं, बड़े बड़े कारखाना है उनके घर पर लगे स्मार्ट मीटर, सब गरीब के घर में लगे। और ये पैसा इन लोग के पास है कहाँ? आप फ्री में बिजली देने की घोषणा करते हैं और उसी के तहत इनका लाइन का कनेक्शन हुआ है और स्मार्ट मीटर कहाँ से पैसा जमा करेगा? फ्री में बिजली के जो बीपीएल मीटर लगाने की बात हुई थी, लेकिन अभी इन लोग से बात हुई तो इन लोगों ने बताया कि इनके पास एक एक आदमी को 40-40 हज़ार का बिल आया है और इन लोगों ने सूद पर पैसा लेके बिजली बिल जमा किया है। अभी बता रही थी कि जीरो पर किया है, तो आपके तरफ से विपक्ष की तरफ ये पूरा बिहार में ये समस्या चल रहा है। बिजली बिल का जितना गड़बड़ेशन है पूरे बिहार में, ये केवल औरंगाबाद में गोह में और हसपुरा में ही नहीं है, ये पूरे बिहार पैमाने पर बिजली विभाग का ये लापरवाही है और इस पर लूट चल रहा है। जाएगा 50,000 इसको फाइन करेगा और उससे 20,000 रुपये लेकर के उसका फाइन शुरू करते हैं। डायरेक्ट हम आरोप लगाते हैं बिजली विभाग के जो पदाधिकारी हैं, जो विजिलेंस के लोग आते हैं वो लोग पैसा लेकर तरफा तफा करते हैं। तो ये तो समझे नारकीय है, इसके लिए हमारे नेता और जनता आक्रोशित है, एक बड़ा आंदोलन का रूप लेगी बहुत जल्द और हम सरकार से मांग करते हैं इस पर पहल करें, जो पुराना पद्धति था उस पर अपना व्यवस्था करें और बिजली बिल का सुधार करें। इसमें जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाने के लिए कौन सा कहाँ की रीति कहाँ की कानून है सर? शाम के 7 से 9 बजे के हाँ हाँ शाम से 7 से 9 के बीच में लगाया गया है जबरदस्ती। हमारे घर में नाना बूढ़े थे, हम मतलब हमारा छोटा छोटा बच्चा है, मतलब
लगा रहा था, हम गेट खोल के देखे तो हमारे यहाँ मीटर लगा रहा स्मार्ट मीटर। हम बोले कि ये क्या लगा रहे हो, बोला कि स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, सबको घर में लगेगा। तो हम बोले कि पहले पूरा लगा दिए हैं पूरा पंचायत में, ताकि बारी बारी से सबको यहाँ लगेगा। तो हम बोले कि नहीं लगाइए। वो जो जबरदस्ती टेला टेली धक्का धुक्की करते हुए सीना पर हाथ रखते हुए टेल दिया, हमारे गेटे पर मीटर लगा हुआ है, टेल टाल के अंदर कर दिया। जबरदस्ती उन लोग चार गो थे सर, जबरदस्ती ठोक के चला सीना पर हाथ रखा हो, किसके सीने पर हाथ रखे हम लोगों को हाथ सीने पर महिला को? हाँ सर, महिला को। क्या नाम है आपका? शोभा देवी। हम लोग का मामला यह है सर, सर गरीब आदमी है हम लोग सर, हम लोग के बीच में हम लोग का घर में जबरन स्मार्ट मीटर लगाने का काम किया गया सर। और हम लोग का ये स्मार्ट मीटर सर लगाने से यह सर हम लोग का लग रहा है कि सर हम लोग का माँ बाप बिजली बिल भरेगा, स्मार्ट मीटर रिचार्ज करवाएगा कि मेरा घर चलाएगा सर, ये मामला है सर। तो पहले बिजली बिल देते थे ना? यस सर, बिल्कुल देते थे सर। तो स्मार्ट मीटर लगने से क्या परेशानी है सर? स्मार्ट मीटर लगने से यह परेशानी है सर कि स्मार्ट मीटर तो लगाया ही जा रहा है, साथ ही साथ हमारे माँ बहनों के साथ अभद्र व्यवहार भी किया जा रहा है सर। तो मैंने शिकायत व्यवहार से है, स्मार्ट मीटर से नहीं है? स्मार्ट मीटर से भी है और अभद्र व्यवहार से भी है सर। अभद्र व्यवहार इसका शिकायत किए हैं? यस सर, FIR दर्ज किए हैं सर हसपुरा थाना में। अभी तक सर कोई सूचना हम लोग के नहीं आया सर, आज फिर हम लोग जा रहे हैं सर हसपुरा थाना में मिलने।